क्या कभी आपने किसी शेर को दर्द से चिल्लाते हुए ज़ेब्रा को जिंदा खाते देखा है? क्या होगा जब जिंदा इम्पाला के शरीर को जंगली कुत्ते नोच नोच कर खाएं? वैसे तो जंगल एक बेरहम जगह है जहां जानवर अपने शिकार को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, लेकिन कई बार ये जानवर अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करते। आज हम आपके लिए ऐसे ही 10 भयानक वीडियो लेकर आए हैं जहां जानवरों ने अपने शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं किया और उन्हें जिंदा खाने लग गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, वाइल्ड डॉग्स ईट इम्पाला अलाइव। दो जंगली कुत्तों के हाथ एक इम्पाला लग गया। कुत्तों ने अपने शिकार को पीछे से पकड़ रखा है और इम्पाला के लाग जोर लगाने पर भी उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जंगली कुत्ते काफी खूंखार होते हैं और जब बात शिकार की आती है तो वे अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इम्पाला उन कुत्तों के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो खुद को लाचार ही पाता है। जंगली कुत्ते इम्पाला के पेट को फाड़ना शुरू कर देते हैं, मगर इम्पाला अपनी जगह से टस्सेमस नहीं होता और इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाए। जंगली कुत्तों का रवैया काफी आक्रामक होता है और वे कुछ ही देर में इम्पाला के पेट का मांस निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। आखिर में इम्पाला नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ जंगली कुत्तों का एक बहुत बड़ा झुंड भी पहुंच जाता है। ये पूरा झुंड इम्पाला पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में इम्पाला को मारकर उसके शरीर को नोच खाता है। नंबर 9, लायन ईट ज़ेब्रा अलाइव। कुछ खूंखार शेर ज़ेब्रा के एक बड़े झुंड को देखकर उस पर हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी ज़ेब्रा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ेब्रा किसी तरह शेर की पकड़ में आ जाता है। शेर के जबड़ों में बहुत ताकत होती है और वो इसका उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए करता है। शेर अपने जबड़े से ज़ेब्रा को पकड़ता है और ज़ेब्रा इस शिकंजे से बचने की बहुत कोशिश करता है, मगर शेर के आगे उसकी एक नहीं चलती। ज़ेब्रा तेजी से अपने पैर मारता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मगर शेर आज शिकार के पूरे मूड में है और वो अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। तभी वहाँ शेर के कुछ साथी भी पहुँचते हैं और ज़ेब्रा पर हमला करने लगते हैं। ज़ेब्रा लगातार दर्द से कराहता है, लेकिन शेरों पर इसका थोड़ा भी असर नहीं होता है। शेर जल्दी ही उस ज़ेब्रा के पेट को फाड़ डालते हैं और उसका मांस खाने लगते हैं। शेर का आज का शिकार उसे और भी खूंखार बना देता है और साबित कर देता है कि शेर ही जंगल का राजा है। नंबर 8, हाइना ईट ज़ेब्रा लाइव। एक ज़ेब्रा को कुछ हाइना घेर कर अपना शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन ज़ेब्रा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो हाइना से बचकर भागना चाहता है और अपने पैरों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर हाइना का झुंड उसे एक पल के लिए भी नोचना नहीं छोड़ता। हाइना काफी खूंखार शिकारी होते हैं और अपने शिकार को अक्सर ही घेर कर मारने के लिए जाने जाते हैं। तभी हाइना उस ज़ेब्रा पर पूरी ताकत के साथ हमला करते हैं। कुछ हाइना उसके पीठ पर चढ़ते हैं, कुछ उसके पेट पर काटने में लग जाते हैं। हाइना की ये मेहनत रंग लाती है और कुछ ही देर में ज़ेब्रा जमीन पर गिर जाता है। हाइना अपने शिकार का पेट फाड़कर उसका मांस खाने लग जाते हैं। ज़ेब्रा दर्द से बहुत चिल्लाता है, लेकिन उन हाइना को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आती और वे उसे खाने से पीछे नहीं हटते। हाइना अपना खूंखार रूप दिखाते हैं और जिंदा ज़ेब्रा को नोच खाते हैं। नंबर 7, हाइना ईट्स बेबी वाइल्डबीस्ट अलाइव। कुछ हाइना एक वाइल्डबीस्ट को अपना शिकार बनाकर उसे नोचना शुरू कर देते हैं। वाइल्डबीस्ट उनके हमले से घायल हो जाता है और दर्द से कराहने लगता है, मगर उसकी चीखों का उन हाइना पर कोई भी असर नहीं होता है और वे बस अपने शिकार को खाने में लगे रहते हैं। वैसे तो वाइल्डबीस्ट भी कुछ कम खतरनाक नहीं है, लेकिन जब सामने हाइनास का बड़ा झुंड होता है तो वे खुद को उनका शिकार बनने से नहीं रोक पाते, क्योंकि हाइना अपने नुकीले दांतों और पंजों से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसके मरने तक उसे नहीं छोड़ते। धीरे धीरे हाइना अपने शिकार के शरीर को जगह जगह से नोचना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वाइल्डबीस्ट अधिक घायल हो जाता है, मगर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक जगह पर ही बैठा रहता है। वाइल्डबीस्ट पर हाइना का हमला बढ़ता ही जाता है और वो दर्द के कारण बहुत जोर से चिल्लाता भी है, मगर हाइना का झुंड उसका मांस उसे एक पल के लिए भी नोचना नहीं छोड़ता। आखिरकार दर्द और खून से लथपथ वाइल्डबीस्ट दम तोड़ देता है और हाइना उसके शरीर को फाड़ कर खा जाते हैं। नंबर 6, लेपर्ड ईट्स वार्थॉग अलाइव। लेपर्ड एक खूंखार जानवर है जो अपना पेट भरने के लिए अक्सर ही जंगल के दूसरे जानवरों का शिकार करता है। यहाँ एक लेपर्ड ने एक वार्थॉग का शिकार किया है। लेपर्ड ने अपने दांत वार्थॉग के पेट पर गढ़ाए हुए हैं, जिससे उसके पेट पर एक बड़ा घाव हो गया है।
वार्थोग दर्द के कारण बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मगर लिपर्ट को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो अपने शिकार को खाने में लगा रहता है। वार्थोग अपनी जान बचाने के लिए उठता है, लेकिन घाव के कारण वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। लिपर्ट एक ही वार में उस वार्थोग को नीचे गिराकर उस पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है। लिपर्ट अपना खतरनाक रूप दिखाता है और वार्थोग के पेट को फाड़ कर अपने शिकार को खाकर अपनी भूख मिटाता है। नंबर 5, कोमोडो ड्रैगन ईट्स डियर लाइव। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये शिकार के लिए अपने नाखूनों का उपयोग करता है और शिकार को फाड़ कर खाना पसंद करता है। कोमोडो ड्रैगन कभी अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देता। यहाँ दो कोमोडो ड्रैगन ने एक हिरण का शिकार किया है। हिरण काफी जख्मी है और इस कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। एक कोमोडो ड्रैगन इस हिरण से दूर जाकर बैठ जाता है, लेकिन दूसरा कोमोडो ड्रैगन हिरण के पास जाता है और उसे नोचने लगता है। हिरण के पिछले पैर के पास एक घाव हो जाता है और कोमोडो ड्रैगन उस घाव पर ही अपने दांत कढ़ा देता है। ड्रैगन हिरण के शरीर से मांस निकालकर अपना पेट भरने में लग जाता है। हिरण दर्द से कराहता है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन इसकी एक भी नहीं सुनता और अपने खाने का मजा लेने में लगा रहता है। थोड़ी देर में कोमोडो ड्रैगन का साथी भी वहां जाता है और दोनों मिलकर उस हिरण को मार देते हैं। दोनों जानवर उस शिकार पर टूट पड़ते हैं और धीरे धीरे कर उस हिरण के शरीर को नोच खाते हैं। नंबर 4, बबून ईट्स इम्पाला अलाइव। जंगल में एक इम्पाला का बच्चा भटक रहा है, लेकिन जल्दी ही वो एक बबून की पकड़ में आ जाता है। बबून इस इम्पाला को पकड़कर एक जगह बैठ जाता है और इम्पाला की पीठ को फाड़ कर खाना शुरू कर देता है। इम्पाला की पीठ पर बड़ा घाव हो जाता है, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाता भी है, मगर बबून को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो उसे खाने में ही मशगूल रहता है। बबून जंगलों में ही रहते हैं और छोटे जानवरों को शिकार कर अपना पेट भरते हैं। इनके दांत काफी तेज होते हैं, जो इनकी शिकार करने में मदद करते हैं, जबकि इनका शक्तिशाली जबड़ा शिकार पर अपनी पकड़ बनाए रखता है। धीरे धीरे बबून उस इम्पाला के शरीर को फाड़ कर उसके पेट का मांस खाने लगता है और थोड़ी देर में अपने शिकार को पूरी तरह से जख्मी कर देता है। काफी देर तक दर्द सहने के बाद इम्पाला की मौत हो जाती है। इतने में वहां बबून का एक और दोस्त भी आ जाता है, मगर पहला बबून उसे अपने शिकार के पास भी नहीं फटकने देता। वो अकेला ही बैठकर इम्पाला के मांस का स्वाद चखने में लगा रहता है। नंबर 3, चीता एंड हाइना ईट इम्पाला अलाइव। कुछ चीता ने एक इम्पाला को अपना शिकार बनाया हुआ है। एक चीता ने उसके पैर पर अपने दांत गढ़ाए हुए हैं, जबकि दूसरा चीता उस इम्पाला पर दूसरी तरफ से हमला कर रहा है। इम्पाला जोर जोर से चीख रहा है, लेकिन दोनों चीता उसे छोड़ने को तैयार नहीं है और अपने खाने का मजा लेने में व्यस्त हैं। लेकिन तभी वहां हाइना का एक ग्रुप आ जाता है और दोनों चीतों पर हमला शुरू कर देता है। चीता और हाइना दोनों ही शिकार के मामले में खतरनाक हैं और अपने शिकार को आसानी से छोड़ने वालों में से नहीं है, लेकिन हाइनास का ग्रुप बड़ा होता है और उन्हें देख दोनों चीता वहां से भाग खड़े होते हैं। अब जख्मी इम्पाला पर हाइनास का कब्जा हो जाता है। इस बीच इम्पाला भी खड़ा होकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना की मजबूत पकड़ उसे वहां से जाने नहीं देती। कुछ हाइनास उस इम्पाला पर टूटकर उसके शरीर को नोचना शुरू कर देता है। इम्पाला को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी मौत नजदीक आ चुकी है। धीरे धीरे उसे खाने वाले हाइनास की संख्या भी बढ़ जाती है और वे सभी मिलकर अपने शिकार का मजा लेने में जुट जाते हैं। नंबर 2, वाइल्ड डॉग्स ईट वार्थोग अलाइव। कुछ जंगली कुत्तों ने एक वार्थोग को अपना शिकार बनाया हुआ है। वार्थोग खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जंगली कुत्तों के सामने उसकी एक नहीं चलती और कुत्ते उसे लगातार नोचते रहते हैं। कभी वे कुत्ते उस वार्थोग को काटते हैं तो कभी उसे घसीटकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। वार्थोग भी एक शिकारी जानवर है और अपने शिकार को तड़पा कर मारता है, लेकिन जंगली कुत्तों के झुंड के आगे वो भी लाचार है और कुछ नहीं कर पाता। वार्थोग दर्द से चिल्लाता रहता है और कुत्तों की पकड़ से छूटने के लिए कई कोशिशें करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती है। जंगली कुत्तों पर वार्थोग की चीख और दर्द का कोई भी असर नहीं होता और वे अपने खाने का मजा लेने में लगे रहते हैं। कुछ ही देर में जंगली कुत्तों के वार से वार्थोग अधिक घायल होकर वहीं गिर जाता है। दर्द से परेशान वार्थोग बहुत तड़पता है, लेकिन कुत्तों को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। आखिर में वो वार्थोग तड़पते हुए मर जाता है और जंगली कुत्ते उसके पूरे शरीर को नोचकर खा जाते हैं। नंबर 1,
लायन ईट्स हिप्पो अलाइव। शेर के सामने आने पर हर जानवर घबरा ही जाता है, चाहे वो कोई छोटा जानवर हो या कोई हिप्पो ही क्यों ना हो। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। यहाँ शेर शिकार के लिए निकला है, जहाँ उसकी नजर अकेले घूमते हुए हिप्पो पर पड़ जाती है। हिप्पो को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि शेर उसकी तरफ आ रहा है, तो वह सतर्क हो जाता है, लेकिन तब तक शेर उसके पास पहुंच चुका होता है। हिप्पो वहां से भागने की फिराक में रहता है, मगर तभी शेर लपकता है और हिप्पो की पीठ पर चढ़कर उसे अपने जबड़े से पकड़ लेता है। शेर का ये वार खतरनाक होता है और हिप्पो जमीन पर गिर जाता है। शेर के जबड़े की पकड़ मजबूत रहती है और वह हिप्पो को कसकर कब्जे में ले लेता है। हिप्पो खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन शेर की ताकत के आगे वो ढंग से हिल भी नहीं पाता है। शेर अपने दांतों से उस हिप्पो को घायल कर देता है और धीरे धीरे उसके शरीर को खाना शुरू कर देता है। हिप्पो दर्द से कराहता है, लेकिन शेर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसके पैर को फाड़ कर रख देता है। थोड़ी देर में वहाँ शेर का एक और साथी आ जाता है और दोनों मिलकर अपने खाने का मजा लेते हैं, मगर हिप्पो अब तक भी नहीं मरता है और लगातार दर्द में कराहता रहता है। दोनों शेर उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते और अपने शिकार को खाते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको जंगल और जानवरों की इन बेरहम रूप देखकर? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।